दिमाग में वो चीज नहीं है तो वो सर्च बिल्कुल नहीं करेगा। तो सर्च वही लोग करते हैं जिनके दिमाग में वो रहता है। तो मैं आपको वो टूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो भगत सर न्यू टैब में जाइए, न्यू टैब में जाइए, भगत सर, यस सर, यस, हाँ, न्यू टैब में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए, यस सर बोलिए, गूगल ट्रेंड्स, गूगल, आप सभी लोग लिख भी लीजिए, गूगल ट्रेंड्स, TREND, ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स, यहाँ पे जाइए। ये एक ऐसी वेबसाइट है गूगल की जो बैकएंड दिखाता है, गूगल का बैकएंड, सी गूगल ट्रेंड्स में, सर यहाँ पे क्लिक कीजिए गूगल ट्रेंड्स में, आपको ये पता चलेगा कि वेबसाइट का एनालिसिस क्या शुरू है, क्या पॉपुलर सर्चेज हो रहे हैं, या अभी दुनिया में क्या सर्च सबसे ज्यादा हो रहा है, किनके दिमाग में क्या सबसे ज्यादा चीज है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक लिखना है आपको अपने बारे में, अपना अपना कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। तो सर आप कोई भी एक टॉपिक सर्च कीजिए, हमारा एक कोर्स का हम सर्च करते हैं, लाइक डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, ई टेंडरिंग कीजिए या डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, ई टेंडर किया आपने, ओके। अब ये पूरे दुनिया भर में सर्च करेगा कि ई टेंडर सबसे ज्यादा सर्च कहाँ पे हो रहा है, ओके। और ये यूनाइटेड स्टेट हो गया, हमें इसे बदलना होगा, तो यूनाइटेड स्टेट को स्क्रोल डाउन कीजिए, वहां पे इंडिया कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है दोस्तों, आप खुद भी घर बैठे इसे मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, ये मोबाइल में भी आप ये कर सकते हैं, ओके। अब देखिए पूरे इंडिया में, अब स्क्रोल डाउन कीजिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे इंडिया में पिछले 12 महीनों में क्या सर्चेस हुए हैं ई टेंडरिंग के ऊपर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ओके। सो नीचे जाइए, नीचे जाइए, स्क्रोल डाउन कीजिए सर, वहां पे देखिए आपको इंडिया का मैप दिखेगा। तो सबसे ज्यादा सर्चेस केरला में हुए है, देन उत्तर प्रदेश में हुए है, देन हरियाणा में हुए हैं, चंडीगढ़ में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं। ये देखिए मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स अवेलेबल है, इसलिए ये बता रहा हूँ, ओके। अभी आपको मान के चलो कि किस टॉपिक के ऊपर सर्च हुआ ये बताना है, तो सर स्क्रोल डाउन जैसे करोगे तो राइट हैंड साइड में क्वेरीज आएंगी। सर स्क्रोल डाउन कीजिए भगत सर, तो देखिए यहाँ पे ये रिलेटेड टॉपिक्स है एंड ये रिलेटेड क्वेरीज है, तो यहाँ पे हमें क्वेरीज पे ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टी ई टेंडर SBI, ई टेंडर MP, सी हरियाणा इंटेंट ई टेंडर, ई टेंडर उत्तराखंड, ई टेंडर SBI, ओके। अब मैं जानना चाहता हूँ कि केरला में कौन से सेक्टर में या फिर केरला के अंदर कहाँ पे ये सबसे ज्यादा सर्च हुआ है। तो ऊपर जाइए सर, थोड़ा स्क्रोल अप कीजिए, यहाँ पे केरला पे क्लिक कीजिए सर, यहाँ पे इधर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे, यहाँ पे भी मैप से भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए केरला में पिछले 12 महीनों में ऑल कैटेगरी से वेब सर्च से इतना ज्यादा जिगजैग आपको दिख रहा है, जिगजैग आया है। स्क्रोल डाउन कीजिए सर, कभी उसमें ज्यादा सर्चेज हुए कभी कम सर्चेज हुए, स्क्रोल डाउन कीजिए सर, हाँ। तो कोच्ची में देखिए, कोच्ची में सबसे ज्यादा है, दिख रहा है आपको, कोच्ची में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही मैं हर एक सेक्टर को देख सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली देख सकता हूँ। तो सर वापस जाइए, बैक कीजिए, एक मिनट कीजिए, देखिए हाँ। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली में कहाँ से सर्चेस हो रहा है, स्क्रॉल डाउन कीजिए दिल्ली में, तो दिल्ली में न्यू दिल्ली है, ओके। बस छोटा छोटा सिटी ही बता रहा है वो, वरना हरियाणा में जाएंगे, सिटी टू सिटी जा सकते हैं, कभी आप महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, ओके। अभी मैं आपको ई टेंडर हो गया, मैं डिजिटल मार्केटिंग दिखा देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा सर्चेस है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्च कीजिए सर, ये देखिए यहाँ पे ई टेंडरिंग काट के डिजिटल मार्केटिंग कर दीजिए, सी अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में, सी दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, अभी तो सर्चेस बहुत बढ़ गए, सो महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में कौन से सिटी में ये सर्चेस हो रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, मीरा भयंदर, पिंपरी चिंचवड़, नवी मुंबई, वाशी, ठाणे, और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना सर, देखिए यहाँ पे
आपको दिख रहा है, सी यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 cities आपको दिख रहा होगा, वहां पे अगर आप जाओगे आगे 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 तो देखिए ठाणे हो गया, देन उसके बाद कल्याण है, नासिक है, मुंबई है, डोंबिवली है, नागपुर है, और आगे जाइए आपको 2 cities और मिलेंगी, तो औरंगाबाद है, पुणे है। ओके, पुणे मेन सिटी और पिंपरी चिंचवड़ इसमें आ चुका है, औरंगाबाद आ चुका है, महाराष्ट्र आ चुका है। सी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी तरीके से ये देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ से सर्च कर रहे हैं और कौन से क्वेरी पे सर्च कर रहे हैं। सी स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, क्वेरी हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में किस वजह पे सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। सी अगर मैं बिजनेसमैन हूं या फिर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं देखूंगा यहाँ पे कि मेरे लिए कीवर्ड कौन से ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे लोग फ्री में देख रहे हैं तो मैं फ्री वाला कोर्स तो नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ फ्री वाला कोर्स अभी मैंने 21 लॉकडाउन सिचुएशन में लॉन्च किया तो शायद उनको मैं ये दे दूं। एक फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होता है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यानी ये बंदा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ये देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या है और उसे मैं ये सारी चीजें बेच सकता हूँ। देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल लर्न, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो गूगल सर्च कर रहा है। लर्न डिजिटल विद गूगल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो गूगल सर्च कर रहा है। उडेमी डिजिटल मार्केटिंग, यस आई एम ऑल्सो इन उडेमी, तो उडेमी में भी मैं इसमें सर्च कर सकता हूँ, तो उडेमी भी सर्च हो रहा है। तो बहुत सारी चीज है इसमें, कीवर्ड्स आपको मिलते हैं और यहाँ पे टॉपिक मिलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये टूल यूज कीजिए एंड गूगल एडवर्टीजमेंट में आप एनरोल कीजिए। गूगल खुद भी सिखाता है लेकिन क्या होता है, ये एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक एक्सपर्ट आपको हर एक चीज बताता है कि इसको ऐसे करूंगे तो ऐसा होगा, इसको ऐसे करूंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि उनके ये दिमाग में है। अगर ये इनके दिमाग में है तो वो, अगर वो इनके दिमाग में है तो वो लोग सर्च करेंगे और डिमांड हमको पता चलेंगी एंड हम ये देख सकते हैं कि कौन लोग इसे सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं एंड हम उसको डिमांड को सप्लाई कर सकते। ओके सर, यस सर।